देख लो पूरा पीजी है, इधर आजू बाजू दाएं बाएं सब जगह यहाँ पे पीजी है। किचन है, मोशन है, बंसल है, कैरियर पॉइंट है, रेजोनेंस है, एलन का सकार बिल्डिंग थोड़ा सा दूर है। लेकिन पे ये जो पीजी है यहाँ पे क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलेगा अगर कोई बच्चा आता है आपके पास तो? ऐसे तो रूम को मैं दिखला देता हूँ। यहाँ पे रूम में ये अंकल यहाँ पे बेड देते हैं, सेफ्टी है पूरा कंप्लीट, सेफ्टी में कोई कमी नहीं, किसी बात की कोई दिक्कत हो बच्चों को तो दिक्कत नहीं, किसी बात की हमारी जिम्मेदारी है। हेलो दोस्तों, अभी मैं हूँ कोटा में। तो बहुत लोगों ने मेरे से रिक्वेस्ट किया था कि पीजी का वीडियो बनाओ, तो ये मैं आपको पीजी में लेके आ गया कोटा का। तो पीजी कुछ इस तरीके का होता है दोस्तों। यहाँ पे नीचे में साइकिल रखने का जगह है, अगर आप कोचिंग से साइकिल आना जाना करते हैं तो यहाँ पर साइकिल रख सकते हैं। और नीचे में यहाँ मकान मालिक रहते हैं, उनका किचन है। और ये सब जो रूम आपने देखा, इस सारे रूम में जो और भी रेंटर्स है वो रहते हैं, और सारे रेंटर्स स्टूडेंट ही हैं यहाँ पे। और ये हम आ गए फर्स्ट फ्लोर पे, तो यहाँ पे भी जो भी रूम्स है ये भी सभी रेंट पे है। यहाँ पे वाटर फिल्टर है साफ़ पानी पीने के लिए, यहाँ सामने में टॉयलेट है और यहाँ पे बाथरूम है। तो बाथरूम ठीक ही ठाक है। अब सस्ते में तो आपको क्या ही मिलेगा, लेकिन ठीक ठाक है, काम चल जाएगा। पीजी तो ऐसे भी सस्ता रहता है, तो आपको अटैच लेटरिन बाथरूम तो नहीं मिलेगा, मिल सकता है पर वो थोड़ा कॉस्टली हो जाएगा। अगर आपको सस्ता में अटैच लैट्रिन बाथरूम मिल जाता है तो बहुत अच्छा बात है आपके लिए। एक और यहाँ पे बाथरूम है और टॉयलेट है दूसरे साइड में, ताकि कोई दिक्कत ना हो, लोग आराम से दो टॉयलेट बाथरूम को यूज कर सकें। तो अब हम आ गए छत पर, और यहाँ पे बैठने के लिए भी जगह है ताकि आप धूप में भी आके पढ़ाई कर सको ठंडियों में। तो पीजी भाई देखो सस्ता है, तो यहाँ पे हॉस्टल जैसे फैसिलिटी तो नहीं मिलेगा। बाकी हॉस्टल कैसा होता है, हॉस्टल से भी रिलेटेड मैं वीडियो बनाऊंगा। पीजी कुछ ऐसा ही होता है। यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर पे जो मकान मालिक है वो रहते हैं, और ऊपर का जो कमरा रहता है वो किराए पे लगा देते हैं। लगभग 90% पीजी ऐसा ही होता है कि मकान मालिक रहते नीचे में, ऊपर में जो उनका जो घर है, ऊपर में जो रूम्स है उनका, वो रेंट पर लगा देते हैं। तो पीजी अगर आप यहाँ पे लोगे तो मैं यहाँ के जो ऑनर है उनसे बात करवा दूँगा आपका, और मैं वो बता देंगे कि क्या चार्जेस लगता है। लगभग यहाँ पे वही रेट है, कहीं थोड़ा कम भी है, कहीं थोड़ा ज़्यादा भी है, लेकिन लगभग पीजी आपको 3000 में मिल जाएगा, और 2500 से 3000 में मिल जाएगा। और अगर आप दो लोग रहते हो एक साथ तो और सस्ता पड़ेगा। और खाने वगैरह का यहाँ पे मेस वगैरह सब पास में ही है, इस लोकेशन से बहुत पास में ही मेस वगैरह है, तो वो भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो 5000 रुपये आपका बजट होना चाहिए। अगर आप पीजी विद मेस लेना चाहते हैं तो कम से कम 5000 का आपका बजट होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ सारे जगह आप देख लीजिए पूरा पीजी भरा पड़ा है। देख लो पूरा पीजी है, इधर आजू बाजू दाएँ बाएँ सब जगह यहाँ पे पीजी है। ये सब कंप्लीट पीजी है यहाँ पे। यहाँ पे कोई कमी नहीं है कोटा में पीजी वगैरह का, रहने वहने का कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे बहुत सारी पीजी वगैरह हैं आसपास में। ये जितने चारों तरफ इन इलाकों में जितना आपको ये सब दिख रहा है ना, जो भी जितने भी आपको बिल्डिंग्स दिख रही है, जितने भी मकान आपको मैंने दिखाया, ये सारा पीजी है यहाँ पे। तो ये इंद्रा कॉलोनी इसको कहते हैं, ये विज्ञान नगर में आता है, और इसके पास में डाकनिया तालाब रेलवे स्टेशन है, मोशन है, बंसल है, कैरियर पॉइंट है, रेजोनेंस है, एलन का सकार बिल्डिंग थोड़ा सा दूर है, लेकिन आपके पास साइकिल हो तो आप अप डाउन कर सकते हो यहाँ से रोज़। तो यहाँ से सारे बड़े बड़े कोचिंग्स जो है वो पास में ही है, तो आप यहाँ पे आके रूम ले सकते हो चाहो तो। और भी मैं इंद्रा कॉलोनी का मैं देखता हूँ, मैं एक ब्लॉग बनाता हूँ पूरा इंद्रा कॉलोनी, आपको उसमें दिखा दूँगा, तो उसमें आपको और आइडिया लग जाएगा कि आसपास में यहाँ पे कितने सारे पीजी हैं, कितने भरे पड़े हैं, लैंडमार्क्स भी सारा दिखा दूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो यहाँ के मकान मालिक हैं उनसे मैं बात करा दूँगा, तो वो आपको बता देंगे कि यहाँ पर क्या क्या फैसिलिटीज़ है पीजी में जो मिलती हैं, और क्या किराया पड़ेगा यहाँ का, वो सब बता देंगे। तो अंकल जी आप ये बताइए कि यहाँ पर ये जो पीजी है यहाँ पे क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलेगा अगर कोई बच्चा आता है आपके पास तो? यहाँ पे रूम में फैसिलिटी सब मिलेगी, कूलर मिलेगा, पंखा मिलेगा, बेड मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। अच्छा मिलेगा। 13,500 रुपये रेट है इसकी बार। कितनी रेट है? पीजी रूम की 3,500। और मान लीजिए अंकल कोई सिंगल रूम लेना चाहे तो उसका रेट क्या पड़ेगा? पीजी रूम हो गया, सिंगल रूम। हाँ, सिंगल रूम का 3,500 रुपये सब आ गया, 3,500 रुपये। और शेयरिंग करके कोई बच्चा रहना चाहे तो, दो बच्चे रहने चाहे एक रूम में तो 5,000 रुपये किराया है। हाँ, तो 2,500-2,500 करके बच्चे देंगे। कूलर के पैसे अलग है। हाँ, कूलर के पैसे अलग है। कूलर के पैसे अलग से 500 रुपये। तो यानी कि 2,500-2,500 और 250 और 250 और, ठीक है। डबल बच्चे के? हाँ, डबल बच्चे के लिए अगर दो बच्चे आ रहे हैं, अगर एक साथ रहना चाहते हैं पीजी में तो ये यहाँ पे सेफ्टी है पूरा, कंप्लीट सेफ्टी में कोई कमी नहीं किसी बात की। कोई दिक्कत हो बच्चों को? कोई दिक्कत नहीं किसी बात की, हमारी जिम्मेदारी है। कोई दिक्कत हो तो आप मदद करोगे बच्चे की? मदद करेंगे। अच्छा, हालांकि मैं भी यहीं पे था तो अंकल कुछ गलत नहीं कह रहे हैं। यहाँ पे मेरे को भी जब कोई ज़रूरत पड़ता था तो अंकल मेरा हेल्प करते थे, कहीं भी जाने का भी ज़रूरत पड़ता था तो अंकल हेल्प कर दिया करते थे। तो वैसा कुछ नहीं है यहाँ पे। अंकल यहाँ का एड्रेस बता दो अगर किसी को आना है तो। इंदिरा कॉलोनी, विज्ञान नगर, मकान नंबर D70। अच्छा, इंदिरा कॉलोनी, विज्ञान नगर, मकान नंबर D70। रघुनाथ परेथा। रघुनाथ परेथा, ठीक है। तो ये अंकल का नाम है। आप यहाँ पे आओगे तो अंकल को कॉल कर लेना यहाँ पे आके, और अंकल को बता देना कि वो जो भैया यहाँ पे रहते थे, जो वीडियो बनाए थे, उनके थ्रू पता चला, ठीक है। मेरा यहाँ पे कोई कमीशन नहीं है, बस आपकी मदद के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि एक बार देखो आप। हाँ, एक बार देख लो आप रूम को। हाँ, आपको अच्छा लगे तो आप रहो। ऐसे तो रूम को मैं दिखला देता हूँ। यहाँ पे रूम में ये अंकल यहाँ पे बेड देते हैं, ठीक है, टेबल देते हैं, चेयर देते हैं, और कूलर भी देते हैं, लेकिन कूलर का अलग से चार्ज। कूलर का नहीं, कूलर 3,500 में सब। 3,500 में पीजी रूम का कूलर सहित देते हैं हम। अच्छा, कूलर, पंखा, चेयर, कुर्सी, पलंग, बेड, वो सिंगल रूम के लिए? हाँ, सिंगल पीजी रूम, सिंगल रूम के लिए। पीजी सिंगल रूम के लिए 3,500। अगर डबल बच्चे रहते हैं 5,000 में, तब उस पे अलग से 500 रुपये कूलर के। हाँ, तब 500 रुपये कूलर के लगेंगे, ठीक है। और यहाँ पे रेक वगैरह है, किताब वगैरह रखने के लिए सब अलमारी, वो सब कंप्लीट है, आप देख लो इसका। हाँ, कोई कमी नहीं। कमरा भी 9.5 बाई 10 का है। हाँ, 9.5 बाई 10 का कमरा है, लंबा चौड़ा कमरा है, देख लो आप। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से बच्चा यहाँ पे रह सकता है ना। कूलर वगैरह है यहाँ पे, गर्मी में टेबल तो लग ही जाता है, सब लग रहा है, सब, और कोई दिक्कत नहीं, विंडो खिड़की सब कुछ का। हाँ, यहाँ पे टेबल लग जाता है, और साफ सफाई भी रेगुलर होते रहता है, रेगुलर फुल। हाँ, कोई दिक्कत किसी बात की कमी नहीं है। हाँ, अच्छा, तो फुल फैसिलिटी की, फुल मतलब कि जितना फैसिलिटी आप एक बार देख लो। हाँ, फैसिलिटी है पूरी, जितनी जरूरत है बच्चों को, है ना। फैमिली छोटी है। इलेक्ट्रिसिटी बिल वगैरह? इलेक्ट्रिसिटी बिल हमारा है। बिल अंकल का है, बिल आपको देना नहीं पड़ेगा, कुछ भी नहीं देना पड़ेगा। 3,500 पीजी रूम, सिंगल रूम, सब बिल अंकल अंकल का सबका है। 3,500 पीजी रूम आपको मिल जाएगा, बाकी आपको कुछ नहीं देना है। अंकल बिजली का बिल वगैरह पे कर देंगे। अगर आप डबल रहोगे तो 5,000 का पड़ेगा, 2,500-2,500 करके देना होगा। कूलर अगर आप लोगे तो 500 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। जहाँ तक कूलर चलाएगा, जहाँ तक 500 रुपये देना पड़ेगा। हाँ, जहाँ तक बंद हो जाएगा 500 रुपये खत्म हो जाएगा। हाँ, जिस दिन बंद हो जाएगा, जैसे ठंडियों में बंद रहेगा तो कूलर का पैसा नहीं लगेगा, ठंडियों में कूलर का पैसा नहीं लगेगा। हाँ, तो रूम लगभग सारे ऐसे ही हैं, अच्छे रूम है। यहाँ पे मैं खुद यहाँ पे रह के मकान, हाँ, डबल मंजिल मकान है। नीचे में अंकल रहते हैं और ऊपर में सारे स्टूडेंट्स रहते हैं। सारे स्टूडेंट्स भी यहाँ पे अच्छे हैं, माहौल अच्छा है यहाँ पे। और अंकल, अगर कोई बच्चा आता है, अगर आपके पास रूम नहीं खाली है तो आप उसको कहीं दिलवा देना, हम एडजस्ट करवा देंगे उसको। हाँ, आप एडजस्ट करवा देना, हमारे गारंटी से हम एडजस्ट करवा देंगे। हाँ, क्योंकि बहुत बच्चे वीडियो देखते हैं तो वो आएंगे ही, आपको कांटेक्ट करेंगे। हाँ जी, करवा देंगे अपन। हाँ, तो काफ़ी इसलिए इनको बोल रहा हूँ क्योंकि आप इन पर ट्रस्ट कर सकते हैं, क्योंकि मैं 1 साल यहाँ पर रहा हूँ अंकल के पास। तो काफ़ी अच्छे इंसान है अंकल, काफ़ी कोऑपरेटिव पर्सन है, बिल्कुल खाते पीते नहीं, शुद्ध आदमी है। हाँ, तो काफ़ी कोऑपरेटिव आदमी है। तो अगर आपको कहीं और भी, अगर यहाँ पे रूम ना मिले तो कहीं और भी रूम दिला देंगे, है ना, एकदम से जुड़े हुए आदमी हो। हाँ, तो ये जो लोकेशन है वो आप एक तरह से इंदिरा कॉलोनी पड़ता है विज्ञान नगर में। इस यहाँ पे अगर आपको पहुँचना है तो यहाँ पे नियरेस्ट लैंडमार्क बता दे रहा हूँ, फोन कर देना या आप डाकनिया तालाब रेलवे स्टेशन है यहाँ पे पास में, कैरियर पॉइंट के पास, कैरियर पॉइंट है, मोशन है, ये सारे कोचिंग यहाँ से पास में है, जस्ट पास है। हाँ, तो रेजोनेंस, कैरियर पॉइंट, मोशन और सर्वोत्तम और वाइब्रेंट, बंसल पूरे पास में है। हाँ, ये सारी कोचिंग पास में है। और एलन का अगर सकार बिल्डिंग में क्लास लगता है तो वो भी पास में ही है, 3 किलोमीटर का फैसिलिटी है। और यहाँ पे साइकिल रखने का फैसिलिटीज वगैरह है। तो वो खाने की सुविधा भी, टिफिन कोचिंग सब पास है तो कोई, हाँ, तो खाने के लिए भी टिफिन वगैरह, क्योंकि पीजी में तो मिलता नहीं है, खाना इंक्लूड नहीं रहता है, तो अलग से आपको खाना लेना पड़ता है। तो भी अंकल दिलवा देंगे, वो सब दिलवा देंगे, करवा देंगे। हाँ, वो सब दिलवा देंगे, सब करवा देंगे, करवा देंगे। अच्छा।